हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीखो सर बाजार। आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार सीखेंगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, आपको पैटर्न में बेरिश पिन बार या बुलिश पिन बार का जानना ज़रूरी है। उससे आप अच्छी तरह से एंट्री और एग्जिट स्टॉक में कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी चैनल सीखो शेयर बाजार को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारी चैनल सीखो शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक ले लेते हैं। जैसे ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक आप देख सकते हो कंटिन्यू डाउनफॉल था, यहाँ से थोड़ा बाउंस आया और बाद में फिर से स्टॉक डाउन गया। तो कोई भी स्टॉक होता है वो कंटिन्यू एक ही लाइन में सीधा नीचे नहीं गिरता है, या फिर कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है, वो हमेशा वेव्स में ही ऊपर या नीचे जाता है। तो वो कहाँ से बाउंस होता है, वो हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से भी पता कर सकते हो, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप पता कर सकते हो कि कहाँ से बाउंस हो सकता है। तो अगर हम ये ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक कंटिन्यू नीचे आया, ये थोड़ा सा यहाँ से बाउंस हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल बना है वो बुलिश पिन बार है। और बुलिश पिन बार कब होता है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड होता है और वहाँ पे लास्ट में ये पिन बार टाइप का पैटर्न बनता है। पिन बार में क्या होता है, ये जो बॉडी होता है ओपन क्लोज का वो छोटा होता है और नीचे का जो वीक होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और बेरिश पिन बार किस तरह से होता है, तो बेरिश पिन बार का बॉडी नीचे की साइड होता है और वीक उसका ऊपर ज़्यादा लंबा होता है। तो यहाँ पे वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिश पिन बार था। तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये इस टाइप के ट्रेड में कैसे एंटर करना है, जैसे ये बेरिश पिन बार पैटर्न यहाँ पे बना तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे ये जो हाई था ये कैंडल का उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे 208 हाई है उसका, तो नेक्स्ट डे जैसे ही स्टॉक 209 को टच करता है वहाँ पे एंटर हो सकते हो। और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो या उसके नीचे भी थोड़ा रख सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर कोई हिट करना चाहे तो जल्दी हिट ना हो। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप डायरेक्टली ये पैटर्न देख के एंटर नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे हम गलत भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको RSI या MACD कोई भी टूल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको चेक करना है कि इस ट्रेड में एंटर करना है कि नहीं करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ये कैंडल हो गया या ये कैंडल हो गया, तो ये कैंडल में आप RSI का वैल्यू देखो तो 22 के आसपास है, और जब ये बुलिश पिन बार बना तब उसका RSI वैल्यू देखो तो आप 29-30 है। तो और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो RSI 41 हो चुका है। इसका मतलब है यहाँ से मूवमेंट हो सकती है, यहाँ से बुल एंटर हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया, ये बुलिश पिन बार सेकंड कन्फर्मेशन हो गया, और MACD भी आप यहाँ पे देख सकते हो क्रॉसओवर दे रहा है। तो आप और भी कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हो। तो इसी स्टॉक में अगर हम और भी पैटर्न होता है तो देख लेते हैं। यहाँ भी आप देखो यहाँ पे बेरिश पिन बार बन रहा है, या आप इसको डोजी स्टार भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस भी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लंबा वीक है, तो ये बॉडी हो गया और ये उसका वीक हो गया। तो जैसे ये स्टॉक यहाँ पे एंटर करता है ये कैंडल के नीचे, तो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और मैंने बताया था अगर स्टॉप लॉस हिट करवाना है तो
ऑपरेटर्स लोग क्या करते हैं ये इस टाइप के पैटर्न में, अगर पोजिशनल ट्रेडर में, तो स्टॉक थोड़ा और भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक ऊपर गया पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और बेरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। जब बुलिश कैंडल को बड़ा बेरिश कैंडल फुल्ली कवर कर लेता है तो उसको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिन बार हो गया, बेरिश पिन बार, और यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी हो गया। बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। और थर्ड कंफर्मेशन ये भी था, आप यहाँ पे देख सकते हो RSI भी डाउन जा रहा था और MACD ने भी क्रॉस ओवर दिया था। तो ये सब कंफर्मेशन के बाद आप अच्छी तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट ले सकते हो। तो और भी कुछ स्टॉक देख लेते हैं भी, चलो इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इंट्राडे के लिए 5 मिनट कैंडल और 15 मिनट कैंडल में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल सकता है। यहाँ पे बुलिश पिन बार है, जस्ट अ मिनट। इंट्राडे कर रहे हो तो आपको कोई भी एक या दो स्टॉक, या अगर आपके पास ज़्यादा स्क्रीन है तो आप 3 या 4 स्टॉक पे भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में आपको कंटिन्यू वॉच करना पड़ता है। अगर आप 5 मिनट कैंडल यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप 15 मिनट कैंडल यूज़ कर रहे हो तो, अगर आप इतना ज़्यादा वॉच ना रखो तो भी चल सकता है, क्योंकि 5 मिनट कैंडल में हर 5 मिनट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक कंटिन्यू नीचे आ रहा था और बाद में यहाँ पे 2:40 पे ये बुलिश पिन बार बना था। तो ये बुलिश पिन बार के ऊपर 1-1.5 के ऊपर ये आप इंट्राडे में प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये हो गया इंट्राडे में भी इस तरह से आप बुलिश पिन बार फॉर्मेशन होता है या बेरिश पिन बार फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आप ट्रेड में एंटर या एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो तो ये बेरिश पिन बार बना था पर ये बेरिश पिन बार में कोई एंटर नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये डाउन ट्रेंड में बेरिश पिन बार बना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो और बेरिश पिन बार बने तो वो बेरिश सिग्नल है, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है और बुलिश पिन बार बन रहा है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। इसी स्टॉक में और भी कुछ अगर है तो वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ भी फ्राइडे भी ये कैंडल बनाए, ये कैंडल ये 3:05 पे बना था। तो इंट्राडे में आपको कभी भी इस तरह का चांस मिल सकता है कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक यहाँ से बाउंस हुआ और 3 कैंडल के बाद तुरंत यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा था तो वहाँ से ये पिन बार बनाए और पिन बार के नीचे ये 1.227 उसका लो था। तो आप 1.226 पे एंटर हो सकते हो, तो यहाँ भी आप 2-3 रुपये का प्रॉफिट ले सकते थे। तो इस तरह से आप बेरिश पिन बार या बुलिश पिन बार का इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। कोई और भी स्टॉक देख लेते हैं। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको एक्सपर्टाइज आ जाता है। ये स्टॉक में इतना कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है कि कंफर्मेशन उसमें ज़्यादा हो। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यू फॉल हो रहा था और बाद में यहाँ पे स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है। तो इसको आप बुलिश पिन बार भी बोल सकते हो। तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ है और
उसका सेकंड कंफर्मेशन क्या है, तो यहाँ भी आप देखो तो ये लोअर लो बना रहा है, आरएसआई हाई लो बना रहा है, एमएसीडी हाई लो नहीं बना रहा है, पर हमारे पास दो कंफर्मेशन है। तो इस टाइप में ये जो कैंडल बना है उसकी हाई पे आप एंटर हो सकते हो। तो यहाँ भी आप देख सकते हो बाद में कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो अब कुछ फॉरेक्स के लिए देख लेते हैं, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो उसमें भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं। तो जीबीपी आईएनआर का जब ये हाई लगा था 98.99 का, तो उसके बाद उसमें कंटिन्यू फॉल आया था, और फॉल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जिगजैग में नीचे आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी आप गलत भी हो सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया था, यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा था पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने फिर से यहाँ पे एंटर किया। और उसका भी रीज़न क्या है आप देख सकते हो, यहाँ पे बुलिश पिन बार बन रहा है, और आरएसआई वैल्यू भी आप देखो तो वो 35 पे है, और एमएसीडी भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, और यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा है, ये स्टॉक लोअर लो बना रहा है, RSI हायर हाई बना रहा है, और MACD भी हायर हाई बना रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू ये पैर ऊपर जा रहा है। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या इंट्राडे में कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ड्यूरेशन का चार्ट हो, अगर आप दो या तीन कंफर्मेशन के साथ एंटर होते हो या एग्जिट होते हो, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये फैक्टर आप ध्यान में रख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल सीखो शेयर बाजार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और वीडियो के शुरू में दिया गया हुआ डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीखो शेयर बाजार।